खो गई थी। वो लगातार अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। डॉक्टर सीधा सुप्रिया की सास यानी कि चंदा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपकी बहू के कार्डियोवास्कुलर वेन्स में काफी सारा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी वो वेंटिलेटर पर है। हालत इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बचपन को भूला जा सकता है, मगर चाहकर भी बचपन को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही सुप्रिया ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन शरीर में कितना जरूरी होता है, प्रोटीन का शरीर में क्या क्या काम है, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, और साथ साथ उसने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन का सबसे सस्ता और अच्छा स्रोत है अंडा। एक दिन उसे अपने कॉलेज की स्पीच देने का मौका मिलता है और उसने कुछ इस तरह से स्पीच दी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। शरीर में हो रहे लगभग हर काम के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और आप ये भी जानते हैं कि आज के टाइम पर प्रोटीन कितना महंगा हो गया है, जिसे खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए बर्बाद करते हैं। गाय का दूध भी आज के दौर में बहुत महंगा हो गया है, इतना कि हर आम इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है अंडा, और ये इजीली आपको हर जगह पर मात्र 8 रुपए में मिल जाता है। सुप्रिया की स्पीच सुनकर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और प्रिंसिपल मैम उसकी खूब तारीफ करती है, जिसके बाद सुप्रिया काफी खुश हो जाती है। अब वो हर किसी को अंडे खाने की सलाह देती और खुद भी जरूरत से ज्यादा अंडे खाने लगती है। दिन हो या रात, घर हो या कॉलेज, वो खाने में सिर्फ और सिर्फ अंडे ही खाती थी। रोजाना अंडे से नई नई रेसिपीज बनाती थी। जैसे एक दिन उसकी सहेली पूजा उसे मिलने आती है। उसने पूजा को टोका और कहा, क्या बात है पूजा, तुम इतने पतली कैसे हो गई? क्या बताऊं यार, आजकल के खान पान में वो वाली बात नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मैं यार काफी सारा खाना खाती हूँ, बट मेरी बॉडी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, और मेरा वेट भी नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी। मैं तो खा के परेशान हो गई हूँ यार। देख पूजा, तू मेरी बात मान, तू अपनी डाइट में एग लेना शुरू कर दे, उससे तेरी प्रोटीन की कमी भी दूर हो जाएगी और तेरी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी और तेरा वजन भी गेन होगा। चल मैं ट्राई करती हूँ। अरे तुझे 15 ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, फिर तू सामने से आकर ना खुद ने बड़ी भूख लेगी है। तू एक बार मेरा वेट गेन होने दे, मैं पूरा एग रोल का ठेला खरीद के खिला दूंगी। वो तो मैं खाऊंगी ही, मगर अभी तो कुछ खिला दे। ऐसा कहकर पूजा और सुप्रिया दोनों पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और मिलकर खूब एग रोल खाते हैं। सुप्रिया के कहने पर पूजा रोज रोज अंडे खाना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी शादी अभिषेक नाम के एक हैंडसम लड़के से करा दी जाती है। शादी के बाद कई दिन बीत जाते हैं और वो अपने पति अभिषेक से बोलती है, सुनिए जी, कई दिनों से एग खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आपके बाजार से आते वक्त मेरे लिए एग रोल या फिर ब्रेड ऑमलेट ले आएंगे? देखो सुप्रिया, मुझे बाजार से आते आते 1-2 घंटे लग जाएंगे और तब तक वो ठंडे भी हो जाएंगे, इसीलिए मैं कच्चे अंडे और ब्रेड ले आता हूँ, तुम घर पर ही बना लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है, सासू माँ को इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से घर आते वक्त अंडे और ब्रेड ले आऊँगा। हाँ ठीक है, मगर यार ना अंडे थोड़े ज्यादा लेकर आना, क्योंकि मैं रोज रोज आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा। ऐसा कहकर अभिषेक ऑफिस चला जाता है और शाम को लौटते वक्त वो 2-4 अंडों की ट्रे ले आता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है, उसकी माँ चंदा उसे टोक देती है। अभिषेक बेटा, ये तू थैले में लेकर क्या भाग रहा है, थोड़ा रुक जा, अब तो घर में ही है वो। माँ, वो कुछ भी नहीं, सुप्रिया ने कुछ मंगवाया है। बेटा क्या मंगवाया है, मुझे दिखा तो सही। माँ वो आपके काम की चीज नहीं है। ऐसा कहकर चंदा अभिषेक के हाथों से थैला छीन लेती है और उसमें से अंडे की ट्रे निकाल लेती है और कहती है, बेटा इसमें घबराने की क्या बात है, अगर तू मुझे दिखा के भी अंडे ले जाता तो मैं तुझे मारती थोड़ी ना, आजकल तो हर कोई खाता है। वो अलग बात है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, अगर तुझे और बहू को अंडे या चिकन खाना है तो खा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस अपना मांसाहारी खाना अलग बर्तन में खाना और पकाना, यही एक विनती है।
माँ मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा तुम मुझे डांटोगी, इसीलिए मैं तुमसे नजरें बचा के भाग रहा था। मैं तुझे क्यों डांटूंगी, तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, सुप्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद अभिषेक वहाँ से सुप्रिया के पास चला जाता है और दोनों मिलकर ब्रेड ऑमलेट बनाकर मजे से खाते हैं। कुछ दिनों बाद सुप्रिया के चेहरे पर काफी सारे पिंपल निकल जाते हैं और वो पहले से कई ज्यादा मोटी हो जाती है, यहाँ तक कि उससे चला तक नहीं जाता। और एक दिन अचानक से उसके सीने में काफी तेज दर्द उठता है और वो चंदा और अभिषेक को फटाफट आवाज मारती है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुप्रिया की हालत काफी नाजुक हो गई थी, वो लगातार अपनी जिंदगी से कैसे बचाए। डॉक्टर सीधा सुप्रिया की सास यानी कि चंदा के पास जाती है और कहती है, माँ जी आपकी बहू के कार्डियोवास्कुलर वेन्स में काफी सारा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी वो वेंटिलेटर पर है, हालत इतनी खराब है कि कुछ कह नहीं सकते, अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। डॉक्टर कैसे भी करके मेरी बहू को बचा लो। माँ जी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें बता सकती हैं कि आपकी बहू खाने में क्या खाती थी? डॉक्टर मैं क्या ही बताऊँ, वो तो सुबह शाम बस अंडे और अंडे से बनी सब्जियाँ ही खाती रहती थी, लंच हो या डिनर, घर हो या बाजार, बस अंडे ही अंडे खाती थी और को अंडे खाने की सलाह देती थी। एक दिन मेरी कमर में दर्द हुआ, उसने कहा माँ जी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, दर्द हो रहा है तो आप कुछ दिन के लिए अंडे खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही बात है, उनको अंडे से होने वाले फायदे के बारे में तो पता है, लेकिन अंडे से होने वाले नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसी का नतीजा है कि उनकी हालत आज ऐसी है। देखिए अंडे खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की संभावना भी होती है, शरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है, बेवक्त मोटा बढ़ने लगता है, शरीर पर दाने निकलने लगते हैं और भी बहुत कुछ। डॉक्टर साहब अब क्या करें फिर? अभी अगर वो बच जाती हैं, तो आप उन्हें अंडों से होने वाले नुकसान के बारे में समझाएं, योग और एक्सरसाइज करवाएं, शरीर में प्रोटीन की कमी और भी कई तरीकों से पूरी की जा सकती है, इसलिए कोई भी चीज खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ दिनों में सुप्रिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और चंदा उसे डॉक्टर की कही गई सारी बातें बताती है। अब सुप्रिया अंडे तो खाती थी लेकिन एक लिमिट में, के साथ अब से सुप्रिया लोगों को अंडे से होने वाले फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जागरूक करती है। स्मृति एक सुशील और गुणवान लड़की थी, उसकी माँ सुरेखा और पिता हरिओम दोनों ही एक बड़ी सी कोठी में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करते थे। वो दोनों अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। लॉकडाउन की वजह से उनका दाना पानी ठप हो जाता है, जिसके चलते स्मृति पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो जाती है, लेकिन उनके पास ना महंगा लैपटॉप था और ना ही फोन, इसीलिए स्मृति की पढ़ाई रुक जाती है। एक दिन हरिओम अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अपने किसी मित्र से पैसे उधार लेकर उसके लिए एक स्मार्टफोन ले आता है। बेटा ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाओ पापा स्मार्टफोन, ये कहाँ से मिला आपको? बेटा पढ़ाई में मन लगा, कहाँ से आया और कहाँ से नहीं ये मत सोच। अच्छा पापा ठीक है, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती हूँ। उधार लेकर फोन तो आ गया, पता नहीं अब उधार कैसे चुका। अपना सारा कर्ज चुका देता है। एक शाम जब वो काम से घर आ रहा होता है तो अचानक तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसका पूरा परिवार टूट जाता है और घर की हालत बद से बदतर होने लगती है, जिसकी वजह से स्मृति को अपनी माँ के साथ घर में जा जाकर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। वो दोनों माँ बेटी को एक स्वर्ग निवास नाम के बड़े से बंगलों में नौकरानी का काम मिल जाता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। उसकी माँ दामिनी बहुत ही नकचड़ी और गुस्सेल औरत थी। इसी तरह एक दिन सुरेखा गलती से अपने साहब का जला देती है। हाय भगवान कैसी औरत है ये, तुझे पता भी है बैल बुद्धि कितना महंगा कोट था ये, तेरी औकात से बाहर है। अरे बहन जी माफ कर दीजिए हमका, हमें पता ही नहीं चला कि प्रेस ज्यादा गर्म हो गई है, हमसे सच में बहुत गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं मैं दूसरा कोट पहन लूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं बेटा, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ती है, वरना सर पे बैठ के नाचने लगते हैं।
बस कीजिए मालकिन, मेरी माँ जब माफ़ी मांग रही है तो आप इतना क्यों चिल्ला रही है उन पर? अरे अगर ये कोर्ट हमारी औकात से बाहर है तो आपकी औकात के अंदर तो है ना, फिर आप इतना क्यों चिल्ला रही है? नया ले लीजिए। हाँ हाँ, ताकि तू दूसरा भी चला दे है? मैं तुझे तो तेरी नौकरी से निकालती हूँ, दफा हो जा मेरे घर से। अरे आप हमें घर से क्या निकालेंगी, हम खुद इस घर में नहीं रहना चाहते जहाँ किसी किसी की इज्जत करना ही नहीं आता। अरे बस करो, ये कोई अखाड़ा नहीं है जो सब लड़ रहे हो। माँ मैंने कह दिया ना कि कोई बात नहीं है, नौकरी से जाने की भी किसी को जरूरत नहीं है, और ये मेरा घर है और मेरा आखिरी फैसला होगा, दैट्स क्लियर। ओके सर, जैसा आप कहें। धीरज को स्मृति की सूझबूझ और खुद के लिए लड़ता हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और उदारी के साथ करती रहती है, जिसे देखकर धीरज के मन में स्मृति के लिए प्रेम की भावना जागने लगती है। तो वहीं स्मृति भी उसकी उदारता और अच्छा दिल देखकर धीरज से प्यार करने लग जाती है, पर उससे वो कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन धीरज उसे अपने दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाता है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या बात है? स्मृति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक, हम एक दूसरे से शादी नहीं। सर, अमीर गरीब तो बस लोक दिखावा है, इंसान अपने अच्छे गुणों, संस्कारों और अपने अच्छे दिल से अमीर बनता है। एग्जैक्टली, तुम भी अमीर हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अब हाँ भी बोल दो, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। हाँ करती तो, पर मैं आपको कभी बोल नहीं पाई क्योंकि आपकी माँ हमारे इस रिश्ते को कभी अपनी मंजूरी नहीं देंगी। उनकी चिंता तुम क्यों करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस हाँ बोलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आई लव यू स्मृति। आई लव यू टू धीरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी तरह वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। धीरज स्मृति को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। दामिनी उन्हें ऐसे देखकर खुशी में तिलमिला जाती है, पर धीरज उसे किसी तरह मना लेता है। दामिनी अपने बेटे के आगे स्मृति को बहू के रूप में स्वीकार करने का झूठा दिखावा करती है, पर मन ही मन उससे नफरत करती रहती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन धीरज जब घर पर नहीं होता और स्मृति अपने कमरे में सो रही होती है, तो दामिनी दबे पांव स्मृति के कमरे में जाती है और पूरे कमरे में मिट्टी का तेल डाल देती है और वहां पर आग लगा देती है। जैसे ही स्मृति की आंख खुलती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई आओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी, यहाँ मेरे कमरे में चारों तरफ आग लग गई है, प्लीज माँ जी, धीरज कहाँ है आप, जल्दी आइए मुझे बचाइए प्लीज। कोई नहीं बचाएगा अब तुझे, अब चलकर यहीं मर, बहुत ज्यादा ही उड़ रही थी हवा में। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं चलकर मर जाऊंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी वहाँ धीरज आ जाता है और जल्दी से स्मृति को आग से बचाकर बाहर ले आता है। माँ, आपने मेरी बीवी को जलाकर मारने की कोशिश करी, आज तक आप उसे बहू मानने का झूठा दिखावा कर रही थी। तो और क्या करती, तेरी इस हरकत से मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी। माँ ये सरासर जुर्म किया है आपने, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। रुको, अभी कॉल करता हूँ पुलिस में। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो माँ है आपकी। अरे कैसी माँ, जिसे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की चिंता है। और नहीं तो क्या, समाज में मेरी बदनामी हो गई इसकी वजह से, अब तू इसे घर से निकाल दे बेटा। अरे बस माँ, स्मृति क्या, मैं खुद इस घर में नहीं रहूंगा और दम घुटता है मेरा इस दिखावे की जिंदगी में, चलो स्मृति हम नहीं रहेंगे यहाँ। इसी तरह वो दोनों उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो शहर से दूर एक झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ धीरज को इस बात का पता लगता है कि स्मृति पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, वो दिन रात एक रू करवा सके। वहीं स्मृति भी घर के काम के साथ साथ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। स्मृति अव्वल अंकों से परीक्षा में पास होकर एक बहुत अच्छी आईएएस ऑफिसर बन जाती है, जिसके बाद हर जगह उसका खूब नाम होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दामिनी का घमंड भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है।
वक्त ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगने के लिए उनके पास जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं समझ ही नहीं पाई कि तेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। लेकिन मैंने नहीं किया। अरे ये तुम्हें जान से मारना चाहती थी, यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं ना, आप उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है ना, और पछतावे से बड़ा कुछ नहीं होता। बेटा मुझे माफ कर दे, घर चल मेरे बच्चे, मेरा असली धन दौलत तो तुम मेरे बच्चे ही हो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को माफ कर देता है, साथ ही धीरज और स्मृति दोनों मिलकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। स्मृति अपने आईएएस के पद के साथ साथ अपने ससुराल की भी सारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।